नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर का एक वीर सपूत देश की सेवा करते करते मणिपुर में अपनी जान न्यौछावर कर गया, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि मणिपुर में हुए इस आतंकी हमले में शहीद कर्नल के बेटे और पत्नी की भी मौत हो गई। घर के सदस्य आंसुओं के सैलाब में डूबे हुए हैं। कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपने घर के बड़े बेटे थे। घटना के दो दिन बाद भारतीय सेना के विशेष विमान से कर्नल विप्लव, उनकी पत्नी अनुजा व बेटे अबीर का पार्थिव शरीर जिंदल एयरपोर्ट में लाया गया। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, रायगढ़ सांसद गोमती साय, रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, विधायक चक्रधर सिदार, पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, कलेक्टर भीम सिंह, पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी, प्रदेश साहू समाज कार्यकारी अध्यक्ष महेश साहू सहित सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर किरोड़ी मल कॉलोनी स्थित सुभाष आशा त्रिपाठी के निवास पर पहुंचा, जहां शहीद परिवार को पुष्पांजलि अर्पित की। रायगढ़ के रामलीला मैदान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद शहर के प्रमुख मार्गों से दाह संस्कार के लिए सेना के साथ पैदल चलकर पूरे जन सैलाब जयकारा भारत माता की जय का नारा लगाते हुए पार्थिव शरीर को सर्किट हाउस मुक्तिधाम लाया गया। रायगढ़ के व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर शहीद को नमन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची मुक्तिधाम। दो बार दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, पहला रामलीला मैदान में असम राइफल्स के जवानों ने दी, इसके बाद मुक्तिधाम में भी अंतिम सलामी दी गई। शहीद कर्नल विप्लव के शहादत के लिए वरिष्ठ पत्रकार शिव राजपूत ने कहा कि पूरे रायगढ़ शहर में दुख और गम के आंसू बह रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहीद कर्नल विप्लव को राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए। भारत टाइम्स न्यूज की ओर से चला संवाददाता हेमसागर श्रीवास ने भी शहीद कर्नल को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। अभी हम वरिष्ठ पत्रकार रायगढ़ के शिव राजपूत जी, जो पुरातत्व खोज और पुरातत्व चीज़ों के लिए एक विशेष लेख लिखने वाले हैं हमारे शिव राजपूत जी, जिससे हम बात करना चाहेंगे। अभी अभी मणिपुर में जो हमारे सपूत कर्नल विप्लव त्रिपाठी का परिवार से जो शहीद हुए, जो मणिपुर में आतंकवादियों ने जो कारियाना हरकत किया, उस बारे में हम उनसे कुछ सुनना चाहेंगे। हाँ शिव राजपूत जी, आप बताएंगे कि रायगढ़ के ही प्रदेश के सपूत विप्लव त्रिपाठी जी का जो आतंकवादियों द्वारा कारियाना हरकत किया गया है, इस बारे में क्या कहें? ऐसा लगता है कि इस घटना को लेकर हमारे दोनों आँखों में आंसू है। एक आँख से खुशी के आंसू बह रहे हैं तो दूसरे आँख से उतने ही दर्द और दुख और गम के भी आंसू बह रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन से आँख आंसू पोंछें। पहली बात यह है कि उन्होंने हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन किया और देश के नाम से शहीद हुए हैं, इस बात की खुशी है। दूसरी तरफ गम का माहौल भी है, पूरे ज़िले में है और उसका असर कहीं हमारे अंदर भी होगा। बहरहाल ये जो हरकत हुआ है, ये बड़े ही चिंता के विषय है और इसके लिए हमारी सरकार को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ और आग्रह भी करना चाहता हूँ हमारे रायगढ़ ज़िले के तमाम स्वयंसेवी संगठन, तमाम जनप्रतिनिधि और सारे लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार से अपील करना चाहता हूँ, भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे विप्लव